सर कांग्रेस कह रही है कि ये बजट जो है डिफेक्टिव बजट है, पीछे चला। अब चिदंबरम ने कई बजट प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक के बजट में उनके ज़माने में जिस तरीके के स्कैम होते रहे और जिस तरीके से देश का जो तस्वीर थी कि गांव में आज भी किसान की आमदनी, उनको उत्पादन लागत नहीं मिलता था, लाभप्रद मूल्य और समर्थन मूल्य जो होता था वो लाभप्रद मूल्य छोड़ दिए, उत्पादन लागत से भी कम होता था। पहली बार अगर सरकार इस बजट में किसानों के उस समर्थन मूल्य में केवल लाभप्रद मूल्य देना चाहती है, डेढ़ गुना अधिक, तो शायद चिदंबरम जी को खेत खलिहान के बारे में जानकारी नहीं, ना उनके नेता को जानकारी है। ये बजट खेत खलिहान किसानों के लिए है, गरीब चौपाल के लिए है, जहां 70% देश की आबादी रहती है। पहली बार उन किसानों के लिए सोचा जो 5 लाख रुपया में कहीं अपना हार्ट किडनी लीवर की बीमारी तो किसी को हो सकती है, उनको 5 लाख तक का कोई इंश्योरेंस नहीं दिया है। 50 करोड़ लोगों को हमने 5 लाख की मेडिकल फैसिलिटी दी है। शायद इतना बड़ा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन पूरी दुनिया में कोई रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति, मतलब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं सोच पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से भारत करेगा। आज डिबेट इस पे नहीं हो रहा कि ये बजट कैसा, अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ के लिए कैसे लाएंगे 5 लाख रुपये, तो वैसे लाएंगे जैसे जब विधानसभा चुनाव हम कहते थे कि 1 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, तो कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार 36,000 करोड़ लाएगी कहाँ से, और बिना किसी टैक्स के, बिना किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजटरी सपोर्ट के हमने 36,000 करोड़ माफ़ करके दिखाया है। तो जैसे यूपी में 36,000 करोड़ माफ़ करके दिखाया है, ऐसे 50 करोड़ लोगों को हम 5 लाख भी दे करके दिखाएंगे, और हम आय को दुगनी भी किसानों की करके दिखाएंगे, इसलिए कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाभप्रद होगा, डेढ़ गुना होगा। राजस्थान में जो हार हुई थी इसी पे क्या कहेंगे? अरे उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव की बात नहीं, हर राज्य हम जीत रहे हैं उपचुनाव। एक कारण तो नहीं है? नहीं, पद्मावती का क्या सवाल है, बंगाल में भी पद्मावती का सवाल है। ये देखिए रीजनल पार्टियां हैं, और कभी कांग्रेस पार्टी थी तो इन चुनावों से नहीं, आप देखें लगातार कांग्रेस मुक्त हो रही है। आप राज्यों को देखिए, 19 राज्यों में आज हमारी सरकार है, केवल 5 राज्यों में बनी है, और अगली लोकसभा में वो भी मुक्त हो जाएगी कांग्रेस।